हाँ जी, मैं हाँ आर के कांगड़ा ते तुसी देख रहे हो एतिमान चैनल। सो अज असी पहुंचे हाँ डड्डू मजरे 3849 दियां लाइटां ते थिके संगतां वल्लों सेवादारां वल्लों माता वैष्णो देवी दा जो कि भंडारा लगाया गया है कढ़ी चावल दा। सो यह जो भंडारा है ये जून महीने दे विच आके करवाया जांदा है। सो करदे हाँ उन्हां सेवादारां दे नाल गल्लबात की है उन्हां दा कहना इस भंडारे दे बारे दे विच। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम बाबू है जी। जो सर आज आपने जो यहाँ पे कढ़ी चावल का लंगर लगा रखा है तो भंडारा करवा रखा है आपने, तो आप दर्शकों को ये बताइए कि ये कौन से सेक्टर में कौन सी जगह पे कहाँ पे हो रहा है? ये सेक्टर 38 है, चंडीगढ़ वेस्ट है, डड्डू माजरा पिंड में हम रहते हैं जी। हर साल माता रानी के नाम से लंगर कराते हैं जी, कढ़ी चावल और सूजी का प्रसाद का। कभी कभी कोई प्रसाद करा देते हैं, कभी कोई प्रसाद, कभी पूड़ी का करा देते हैं, कभी कढ़ी चावल का करा देते हैं जी। तो साल के बाद ही मतलब माता रानी की कृपा होती है, वैष्णो माता की जी। तो हमने जो भी रूखा सूखा होता है वो यहाँ पर लंगर करा देते हैं, भंडारा अच्छा। करा देते हैं जी, जी। तो कितना टाइम होगा लगभग आपको यहाँ पे ये सेवा करते हुए लंगर चलाते हुए? 5-6 साल हो गया करीब, 6 साल हो गया। तो कुल कितने मेंबर है आपके इस संगत में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? संगत में ये जितने हमारे साथ खड़े हुए हैं सब जी जान से मेहनत करते हैं जी, और जो राशन पानी में जो भी कोई सहयोग दे देता 100, 200, 500 जी, वो उसको सब लगा के इकट्ठा करके करते हैं। तो बाकी जो कमी पड़ती है वो उसको पूरा हम करते हैं। अच्छा, तो वैसे बेसिक जो आपका आप वैसे क्या काम करते हो आप? मेरा कैटरिंग का काम है। कैटरिंग का काम है। हाँ जी, ठीक है जी। खाना खुना बनाने का काम है ब्याह शादियों में जी। तो इस जो डड्डू मजरा मेन तो ये डड्डू मजरी पड़ता होगा, डड्डू मजरा पिंड पड़ता है, डड्डू मजरा पिंड पड़ता है। तो यहाँ पे किसी की आपको कोई सहायता रही है? सहायता बस परमात्मा की और माता रानी की सहायता, बाकी तो और किसी की सहायता नहीं है। हाँ, और बाकी ये संघ साइड वालों की, ये हमारे उस्ताद जी हैं जी, इनका हर साल सहयोग होता है हमारे साथ में, पूरी मेहनत करते हैं जी जान से, अच्छा भोजन बनाते हैं और अच्छी तरह से दिल से बना के सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बरताते हैं, माता रानी कृपा हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है। सुभाष शेखर जी, अभी भैया ने बताया कि आप बहुत अच्छे मेहनत करते हो, सारा सामान आप बनाते हो जी जी। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे जब आप आते हो? अच्छा लगता है सर, सेवा भाव से सारे जितना स्टाफ है, जितना अपना भाई लोग हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बाकी गांव से भी लोग आते हैं जो सेवा करते हैं, सेवा भाव से अपनी श्रद्धा से सब लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, उससे थोड़ा अच्छा लगता है। माता रानी सब पे कृपा करे अपनी। तो मैंने देखा कि आपके बच्चे भी, आपकी सारी फैमिली, आपकी घर वालियाँ सभी यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब सेवा करते सर, सब सेवा करते हैं जी। अच्छा, कितने बजे से लगे हुए हो आप? ये सवेरे मॉर्निंग 6 बजे आ जाते हैं सर हम। 6 बजे से लगे हुए हैं आप। तो जैसे कि जो इसका जो सहयोग होता है, जो चलो टेंट वाला जो कितना खर्चा होता है उसको आप इकट्ठा करना कितना टाइम शुरू कर देते हो पहले? नहीं सर, अपने इकट्ठा तो नहीं करते सर। हाँ, सब अपने पल्ले से ही करते हैं। अच्छा, अपने पल्ले से अपनी जेब खर्चे? हाँ, जेब से करते हैं सर। एक भाई साहब अपनी जेब से करते हैं, पहले वो ये जाते हैं माता देवी के दर्शन करने के लिए, उसके उपरांत आने के बाद ये सब अपने पल्ले से करते हैं। वैसे अगर किसी की श्रद्धा हो जाए हाँ जी, जो अगर कोई देना चाहता है 150 रुपए या फिर कोई राइस वगैरह या कोई सूजी वगैरह देते हैं तो हम मना नहीं करते हैं, वो अपनी श्रद्धा से कोई देना चाहता है किलो 2 किलो तो हम ले लेते हैं, मना नहीं करते हैं। बाकी हम किसी से चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं करते सर। चंदा वगैरह नहीं सर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि अगर किसी ने कुछ दान दक्षिणा जो देनी भी है, हाँ तो ये आपका कौन सा दिन होता है जिस दिन को आप यहाँ पे लंगर शुरू करते हो, चलाते हो लंगर को? सर जून के महीने में होता है सर, डेट फिक्स नहीं होती। डेट फिक्स नहीं होती? हाँ सर, महीना जून कोई भी डेट में जिस टाइम भी परमात्मा की इच्छा होती है उसके अनुसार हम कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पिंकी नाम है। पिंकी नाम है आपका। तो पिंकी जी, आप यहाँ पे सेवा करते हो, कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? बहुत सुकून पहुँचता है माँ के नाम से सेवा करना, हमें अच्छा लगता है। मुझे देखा जाता है तकरीबन तो घर वाली में आप ही जाओ, जो घर में काम है इनके, यहाँ पे देखा जाता है लंगर में बहुत कम आती है लेडी।
नहीं जी, हम आते हैं, हमें खुशी मिलती है बहुत ज्यादा आना, अच्छा लगता है हमें भंडारा करवाते हैं। पूरी फैमिली आई हुई है? हाँ जी। सुबह से कितने बजे से उठे हुए हैं? हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ये पहले आ जाते हैं, हम घर के काम निपटा के आते हैं। फिर आप क्या क्या सेवा, आपका क्या क्या रोल होता है यहाँ पे सेवा? यहाँ पे खिलाना मुझे अच्छा लगता है। तो क्या कहना चाहोगे औरतों को जो घर में बैठी रहती है? उनको यही कहना चाहते हैं कि बस घर से बाहर निकलो, थोड़ा बहुत सेवा करना अच्छा होता है, करवाना चाहिए। बाकी घर में बैठ के उधर उधर चुगलियां ना करें, सेवा पानी में निकलें। हाँ। अच्छा होता है निकलना थोड़े, क्योंकि दिल को सुकून भी पहुंचता है और थोड़ा पाप पुण्य भी, मतलब पाप तो दुनिया कमाती है पर पुण्य भी कमाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी।